दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे को वीडियो में। और मैं आज सुबह उठ गया हूँ जल्दी 7:30 बजे। सुबह जल्दी इसलिए उठ गया हूँ 2 मिनट गाड़ी निकल जाए कार चला रहा हूँ मैं भी, ड्राइविंग कर रहा हूँ क्योंकि आज था स्कूल 8 बजे का और मैं 7:30 बजे काम पे आ गया। और मौसम है बहुत ठंडा, बहुत प्यारा। जबलपुर में ठंड शुरू हो गई। इस ठंड में आज मैं पहली बार आज जैकेट पहन के जॉब पे आया हूँ और अब जा रहा हूँ कटंगा। स्कूल छोड़ना था, स्कूल छोड़ती हूँ, जा रहा हूँ कटंगा। बाहर का माहौल दिखाता हूँ मैं, सड़क का। बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ही मज़ेदार। चलिए देखना है आपको बाहर का मौसम, तो चलिए दिखाता हूँ। और ठंडा मौसम है पूरा। बसें भी चालू हो गई हैं, विजय श्री स्कूल की बसें हैं। फलल की दुकान तो सुबह ही से लग गई है। अभी बज रहा है 8:10 हुआ है और चौराहों की लाइट ट्रेड सिग्नल बंद रहते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, क्योंकि सब जल्दी में होता है। ये है गोरखपुर मार्केट, पूरा बंद। तो चलिए कटंगा पहुंच चुका हूं मैं और देखता हूं, अभी धूप तो निकली नहीं है कि गाड़ी को थोड़ा सुखाना था और कुछ नहीं करना था। चलिए अभी देखते हैं क्या है, ये तो पी लेते हैं, नहीं तो घर जाएंगे। दोस्तों कटंगा से निकल गया हूँ, घर जा रहा हूँ, नहा के आऊँगा। दोस्तों घर से आ गया हूँ मैं नहा धो के और छोटे मोटे काम निपटा रहा था और अभी जा रहा हूँ मैं स्कूल लेने। 12:30 बजे छूटता है स्कूल। अभी 12:20 हो रहे हैं। गड्ढे इतने हैं ना कि कुछ बात ही नहीं कर पाते, कैमरा ऐसे ऐसे। और दोस्तों आज मैं खाना खाने वाला हूँ बहुत लेट, क्योंकि पहले से पता चल गया मुझे आज काम बहुत है, क्योंकि अभी 12:30 बज रहा है, बजने वाला है। और अभी स्कूल से लेके जाऊँगा मैं, तो वहाँ का काम है टिल के, यहाँ का कुछ काम है तो वो भी निपटाना है। और खाना फाइनली मैं 1:30-2 बजे ही खा पाऊँगा, पक्का पक्का मुझे पता है। इसलिए मैंने घर से नाश्ता भी करके आ गया हूँ, 2-3 रोटी खा लिया। आ गए स्कूल। बहुत जगह है गाड़ी लगाने के लिए, लेकिन धूप है, छाएं देखता हूँ मैं। तो दोस्तों स्कूल शायद छूट गया, उतर के देख लेता हूँ मैं, उतरना ही पड़ेगा। फिर आगे बैठ गया हूँ गाड़ी में, अभी नहीं छूटा है स्कूल, कोई और बच्चे खड़े थे, मतलब बड़ी क्लास के बच्चे खड़े थे। फिलहाल यहाँ स्कूल से जाऊँगा मैं टिनटिन के यहाँ, वहीं इंतजार करूँगा, कोई को कहीं जाना होगा तो वहीं से लेके जाऊँगा। फिर जब फ्री होऊंगा फिर जाऊँगा कटंगा खाना खाने। तो देखते हैं आज खाना कितने बजे खाता हूँ। दोस्तों स्कूल का काम हो गया है ख़त्म, अब बैठे हैं गाड़ी में, मतलब टहलते भी रहेंगे, बैठे ही नहीं रहेंगे। और खाना आज लेट ही खाऊँगा मैं, क्योंकि 1 बजे गया है और अभी काम से जाना है, पता नहीं कितने बजे मैं फ्री हूँ। दोस्तों टिनटिन के यहाँ से निकल के आ गया हूँ मैं और अभी खड़ा हूँ फिलहाल कार के पास। धूप बहुत, छाई नहीं मिल रही है कहीं, देखो ये पूरा झंकाड़ा पेड़ पौधा सब लगा हुआ है। हाँ यहाँ पे आ रही है छाए। तो अभी मैं आया हूँ फिलहाल, किसी को लेके आया हूँ, तो एसी नहीं चालू कर सकता, क्या करूँ मैं, बैठना पड़ेगा धूप ही में। यहाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा है, पेड़ पौधे लगे हैं और ये पीछे भी, पीछे साइड भी पूरा जंगल है। 15 मिनट का काम है यहाँ, खाना नहीं खाया हूँ, 15 मिनट से देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। मुझे तो नहीं लगता 15 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। अच्छा हुआ मैंने नाश्ता कर लिया, नहीं तो कभी नाश्ता नहीं करके आता था मैं, सिर्फ चाय पी के ही आता था, क्योंकि यहाँ मैं खाना खाता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ 12:30 बजे ही खाना मिल जाता है। तो और मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर बैठा हूँ, जानना तो चाहते हो आप लोग की, तो मैं बताता हूँ। ये जाती है ऐसे सीधे ग्वारी घाट है ना, और यहाँ से ऐसे जाएंगे सीधे कटंगा रामपुर होते हुए। तो मैं बैठा हूँ अभी ग्वारी घाट और रामपुर चौक के बीच में, मतलब सेंटर में नहीं, थोड़ा रामपुर के थोड़ा सा जस्ट आगे हूँ। तो दोस्तों समझ गए होगे आप मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो चलिए अभी इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं आगे के काम। अभी भी गर्मी लग रही है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि चारों डोर बंद है कांच के, पूरे डोर खोल देता हूँ तो सब जगह से हवा आएगी मेरे पास। इतनी देर से दिमाग ही नहीं चल रहा था, चलिए खोल देते हैं चारों कांच। दोस्तों मैंने चारों कांच खोल दी, अब आ रही है बहुत अच्छी हवा। वही मैं सोच रहा था कि इधर से हवा क्यों नहीं आ रही है। चलिए मैं तो आराम से अभी बैठूंगा 10-15 मिनट, अब तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो भूख इतनी लगी ना, टाइम ही का होत नहीं था। अभी मैंने आपको 1 बजे बताया था लेकिन बज रहा है 2। तो चलिए मिलते हैं खाने पर, जब तक कंटिन्यू रहिएगा, थोड़ी देर और शायद बैठना पड़े। तो दोस्तों अब जाके हुआ हूँ मैं फ्री और अब जा रहा हूँ कटंगा, देखता हूँ खाने में क्या है। बहुत तेज़ लगी है भूख और खाऊँगा मैं आज खाना बहुत ज़्यादा पूरा पेट भर लूँगा। तो चलिए चलते हैं कटंगा। तो दोस्तों मैं चौथा पुल पार कर गया हूँ और टिनटिन के यहाँ से कटंगा का रास्ता है 5 मिनट लगता है बस। तो दोस्तों अब भी खाया हूँ मैंने खाना आना और अब आ गया हूँ टिनटिन के यहाँ और अभी कोचिंग का काम बाकी है। और खाने में खाया हूँ मैंने दही बड़ा, दाल चावल और छोले की सब्ज़ी बस। तो चलिए देखते हैं अभी और कितने काम होने वाले हैं। चलिए दोस्तों कोचिंग का काम हो गया ख़त्म, अब मैं लौट रहा हूँ, जा रहा हूँ कटंगा। सातगिर ब्रिज में हूँ अभी मैं, सातगिर ब्रिज पुल के ऊपर।
बहुत तेज आ रही है नींद। अभी जाना है गोरखपुर मार्केट से होते हुए, ट्रैफिक के चक्कर में बहुत नींद लगने लगी मेरे को, क्या बताऊं। जाके धोऊंगा मुंह हाथ, नहीं तो पता चला गाड़ी चलाते चलाते सो जाए तो लोग। तो ये घुस गए हैं गोरखपुर मार्केट, अभी तो खाली है दोस्तों, आज भीड़ नहीं है गोरखपुर मार्केट में। यहाँ तो ठीक है, आगे पता नहीं आगे भीड़ ना हो, देखते हैं। तो निकल गए दोस्तों, बिल्कुल भीड़ नहीं है, मजा आ गया। अब तो गाड़ियां जरूर रोडों में पार्क करी है लेकिन आज भीड़ नहीं है, और आधा मिनट भी नहीं लगा मुझे निकलने में गोरखपुर मार्केट से। दोस्तों मैं निकल आया हूँ कोचिंग के लिए, कोचिंग का काम खत्म कर दूंगा और अब भी आया हूँ गार्ड साहब के पास बैठा रहा। चलिए दोस्तों कोचिंग का काम खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी बजा है 6 और अभी मैं आ रहा हूँ डांस क्लास का काम निपटा के, आधा खत्म हुआ अभी तो छोड़ के आया, और अब जा रहा हूँ मैं ज्योति टॉकीज। रोड इतनी खराब है ना कि गाड़ी बहुत है। तो दोस्तों अभी बजा है 6 और अंधेरा तो ऐसा हो गया है, 6 बजे ही से अंधेरा हो गया है पूरा। तो देखिए रोडों में अंधेरा कितना है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं, ये 3 पत्ती वाली रोड से मैं जा रहा हूँ ज्योति टॉकीज सर के पास। दोस्तों यहाँ डल रही है शायद पाइपलाइन बड़ी वाली। तो दोस्तों यहाँ पे पहले था बस स्टैंड, ये यहाँ से ये पूरा अंदर देख रहे हैं जो बस स्टैंड था। 3 पत्ती में आ गए हैं, फिर भी यहाँ रॉन्ग वॉन्ग से निकलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नज़ारा देखो दोस्तों कितना गजब का है। देखिए ये भीड़, अभी तो खैर सिग्नल हो गया है तो निकल गए हैं सब, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी वहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये है दोस्तों नगर निगम कार्यालय जबलपुर का, अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है वो। वो सामने दिख रहा है ज्योति टॉकीज चौराहा, मैं यहीं से लेफ्ट में जाऊंगा। मैं आया हूं दोस्तों यहां, ये देखो जबलपुर क्लब दिख रहा है, मुझे यहीं जाना है। तो बस आ गया हूं, इंतज़ार करूंगा अब यहां पे। दोस्तों चलिए अभी तो टाइम है यहां पे, मैं जाता हूं बाहर रोड में घूम के आता हूं जब तक। तो दोस्तों ये रही सिविक सेंटर चौपाटी है जबलपुर की, तो बहुत बड़ी चौपाटी है और टेस्ट के मामले में कुछ खास नहीं है। हाँ कुछ लोग, काफ़ी लोगों को लगती है अच्छी वहाँ की चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लगती अच्छी। और चौपाटी तो है लेकिन चौपाटी में खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, अभी एक काम और इसके बाद बचा है। दोस्तों आज सोच रहा हूँ आज फिर जाऊँ मैं राहुल के यहाँ, इसको फ़ोन करके पूछता हूँ ठेला लगाए कि नहीं। और अपनी हालत का क्या बताऊँ, रोज़ ख़राब तो होना ही है, हालत तो हो ही जाती है रोज़। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 6:20 हो रहे हैं बस, ये 6:21 अभी 20 तब 21 हो गया। तो दोस्तों कटंगा का काम खत्म, अब एक काम और बचा है तो वही करने जा रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत है रास्ते में। तो मैं ये जा रहा हूँ गोरखपुर मार्केट वाली रोड से, अगर खाली हुई तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, भरी हुई तो लेट तो होना ही है। वैसे दोस्तों मैं रात में इस मार्केट से कब भी नहीं जाता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ट्रैफिक ही रहता है। आज देखते हैं, बहुत कम ट्रैफिक है इतने में तो समझ में आ गया, अगर गोरखपुर में ट्रैफिक होता तो यहाँ पे भी ट्रैफिक ही लगा होता, अब तो सीधे निकल जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे ठेलों में, रोडों में दुकान लगी है, ठेले ले लेके सब रोडों में लगाए हैं, क्या करेंगे बेचारे, उनका भी कहीं व्यवस्था नहीं है। दोस्तों यह है छोटी लाइन चौराहा, यहाँ पे भी लाइन से सीधे मेडिकल जाती है रोड, लाइन से देखो ठेले तो देखो बाप रे। चलिए फिलहाल मुझे जाना है राइट शास्त्री ब्रिज होते हुए। आज बात क्या है जो यहाँ पे भीड़ नहीं है, समझ में नहीं आ रहेगा, चलो अच्छा है मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ मैं, लास्ट काम मेरा खत्म होने वाला है, फिर इसको खत्म करके मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों 8:30 अब सोचिए आप कितना टाइम हो गया, क्योंकि डांस क्लास का काम खत्म करने के बाद मैं थोड़ा और काम से चला गया था यहीं के, एक दो छोटे मोटे सामान लाना था, और अब जा रहा हूँ मैं कटंगा, गाड़ी खड़ी करूँगा, लेट हो गया हूँ, राहुल के यहाँ जाने वाला था, नहीं जाऊँगा। दोस्तों वैसे भी मैं नहीं जाता राहुल के यहाँ, क्योंकि मेरी गाड़ी है ना जो, ना तो उसमें लाइट है ना ब्रेक है। तो चलिए अब जाते हैं कटंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।